हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आराम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूं। और ये सुबह का टाइम है, 3:08 हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो एकदम अंधेरे ही है। और इससे पहले वाला जो ब्लॉग देखे होंगे तो पता होगा कि मेरा जितिया का चल रहा है व्रत, नहाए खाए का ब्लॉग डाली थी। और आज सुबह से ये हम लोग के यहाँ ऊंठन कहते हैं, जो अपने बिहार मिथिलांचल से हैं उन्हें पता है कि ऊंठन क्या होता है। तो ये सुबह सुबह जैसे यहाँ आप लोग खाते हो ना करवा चौथ में सरगी, तो ऐसे ही हम लोग ऊंठन करते हैं। और ये बच्चों के लिए व्रत होता है, तो बच्चों के लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये मैं तो उठी हूँ, क्योंकि कौआ के बोलने से पहले ही, 4 से पहले ही मुझे पानी उनी पी लेना है, उसके बाद निर्जला व्रत रखना है। तो मैं उठ के ब्रश व्रश कर ली थी। अब मैं ये अपने लिए जो ऊंठन हमारे यहाँ होता है ना, कि दही चूरा फेमस है, कि दही चूरा खाते हैं, बाकी फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन इतना सुबह सुबह क्या खाया जाता है? कुछ भी नहीं खाया जाता है। कभी कोई दूध पी लेता है, या फल वगैरह भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना सुबह खाया ही नहीं जाता। तो इसीलिए तो मैं थोड़ा सा मैं भी विध कर ले रही हूँ कि जितना खाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा नहीं खाऊंगी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके 10:30 के बाद पारण होगा। मतलब 10:30 के बाद मैं व्रत खोलना स्टार्ट करूँगी, ब्रश व्रश करना 10:32 के बाद, करते करते 11:15 तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ। और देखिए कहीं मुझे कॉकरोच दिखा है तो मैं वो बाहर निकाल के रखती हूँ रात में, कि कहीं रात में निकलते हैं ना कॉकरोच, एकाध कॉकरोच मुझे दिख गए थे तो मैं मंगा के रख ली थी ये। और अभी मुझे दिखे तो हल्का सा उसको स्प्रे कर दी तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे तो कॉकरोच से बहुत ये लगता है, डर लगता भी है और अजीब भी लगता है। तो ये देखिए मैं अपना पोहा, जो चूड़ा कहते हैं ना आप, हम लोग यहाँ पे पोहा कहते हैं शहर में, तो उसको धो ली हूँ एक पानी से। और इसको दही और चीनी के साथ, नमक के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे चीनी के साथ पसंद है, तो मैं थोड़ा सा चीनी डाल के दही चूड़ा खा लूँगी। और ये पेट में ठंडा भी करता है, क्योंकि पानी भी बिल्कुल मुँह में नहीं डाल सकते। तो कुछ ऐसा ही खाना चाहिए जो कि आपको दिन भर आपके लिए परेशान ना करे। तो इसलिए, और मैं दही घर में जमाई नहीं थी, तो मैं पैकेट वाला ही दही रात में बेटे से मंगाई थी, तो वही दही लेके खा रही हूँ। ले तो ली हूँ, पता नहीं अब कितना खाया जाएगा, लेकिन जितना भी खाया जाएगा फिर उसके बाद पानी वगैरह पी लूँगी, और चाय पीने का मन होगा तो। लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं चाय नहीं पी थी, क्योंकि दही के बाद तुरंत चाय पी भी नहीं जाती है, फिर पानी ही पी ली, कि पानी अच्छे से पी लेती हूँ कि थोड़े टाइम तक चलेगा। जब तक व्रत स्टार्ट ना हो ना, तो डर ही लगा रहता है कि पता नहीं कैसे दिन कटेगा, दिन काटना, रात काटना, फिर दूसरे दिन के बाद काटना। तो मैं सोची थी कि मैं चाय पी लूँगी, लेकिन मैं चाय पी नहीं पाई। ये देखिए इस तरह से खूब ढेर सारा दही डाल के और थोड़ा सा चूरा लेके, और ये मैं खा रही हूँ। और अकेले बैठ के तो अजीब ही लगता है ना, चुपचाप सब सो रहे हैं और मैं उठ के। और ये ना हम लोग नीचे में बैठ के खाते हैं, जो भी दरवाज़ा है ना उंगट के, मैंने सट के दरवाजे के साथ, लेकिन चूंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है तो मैं नीचे बैठ के उठ नहीं पाती हूँ, और इसीलिए मैं सोफे पे ही बैठ के खा रही हूँ। और खाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से, क्योंकि उसके बाद तो मैं थोड़ी देर बोली हूँ कि मुझे सुबह कोई उठाएगा नहीं जब तक, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं, ना काटना है ना कुटना है, बस थोड़ा सा टीवी चला ली हूँ कि थोड़ा टाइम पास हो जाए, ऐसे ना लगे कि अकेले ही मैं बैठी हुई हूँ। तो बस यही सुबह भजन वगैरह लगा ली और तब तक खा लेती हूँ। फिर खाने के बाद ब्रश, फिर उसके बाद ब्रश करूँगी, फिर ब्रश करके, क्योंकि दांत में भी हल्का सा भी लगा नहीं रहना चाहिए, कहीं भी फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए अन्न का दाना। बहुत हार्ड व्रत है, जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि कितना हार्ड व्रत है। और इसमें कंघी वगैरह भी बिल्कुल कुछ नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो एक ही बार जब शाम को पूजा करूँगी ना, तब उससे पहले नहा वहा के नहाऊँगी। तो ये देखिए सुबह शाम का ही टाइम है, मैं नहा वहा के बैठी हूँ और मेरी बहू आ गई हैं, तो मुझे महावर लगा रही हैं। हम लोग के यहाँ कोई भी पूजा आता था हम लोग महावर लगाते हैं, क्योंकि महावर बहुत शुभ होता है, तो लगाना चाहिए, हम लोग के यहाँ लगाते हैं हर पर्व त्यौहार में महावर लगाते हैं। तो ये वो कर रही हैं, और उसके बाद फिर बाकी तैयारी करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और ये देखिए हम लोग के यहाँ डाला बांधा जाता है, मैं डाला बांधती हूँ, तो इसमें मेरे दो बच्चे हैं, तो मैं
हमेशा से पहले एक बड़ा वाला ही था, तभी मैं शुरू की थी, तो एक नारियल डालती थी, अब दोनों बच्चे के नाम से डालती हूँ। और इसमें साबुत फल ही चढ़ाया जाता है, तो 5 फल मैं चढ़ाती हूँ, जो भी फल है अपने पास, खीरा हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, और एक ये कटोरी में जो देखे ना अकुड़ी होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसको भी चढ़ाया जाता है। केराव कहते हैं हम लोग यहाँ, केराव, केराव का ये दाल का ही एक रूप है, जिसको कि हम लोग मटर के जैसा होता है, ग्रीन मटर के जैसा, छोटा मटर जो होता है उस टाइप का होता है, लेकिन दाल का एक रूप है। और इसको टोकरी को दिखना नहीं चाहिए, पूरे कपड़े से बांध के ढक के वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि कथा में ऐसा ही कहा गया है कि जिस तरह से कथा में, और ये सब गले में बांधने वाला जो पहनने वाला जो होता है ना, जितिया का बद्धी, और कमर में बांधने वाला कमर बंद, तो ये सब सारा रख के बच्चों के लिए जो काम आता है वो सब। और देखिए मेरा वो साड़ी पहनी हूँ, नया है अभी बिल्कुल, तो सरक जा रहा है, तो मेरी बहू सर पे पल्लू रख रही हैं, और अब मैं पूजा की जगह आ गई हूँ, कथा कर रही हूँ। तो कथा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद ये शाम का टाइम ही है, तो थोड़ा सा लेट हो गया इस बार कथा करने में, क्योंकि बेटा आ रहा था, तो मैंने कहा कि जब आ ही रहा है तो उसी के सामने वो रहेगा, तभी मैं कथा करूँगी, क्योंकि दूर रहता तो लगता कि चलो नहीं आएगा तो मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन वो पास में था तो इसलिए आ गया, तो मैं कहीं कि उसके सामने ही कथा पढ़ूंगी, वो भी सुनेगा। तो दोनों बच्चे थे और बहू भी थी, सब बैठ के कथा सुन रहे थे, और मैं फिर पूजा की, सबको टीका वगैरह की, और उसके बाद फिर तब आज का शाम का मैंने कार्यक्रम, व्रत का मैंने इतना ही कार्यक्रम है, उसके बाद नेक्स्ट डे का रहेगा कि ऐसी जैसे बांधा हुआ है ना, वो ऐसे बांधा हुआ यहाँ पे छोड़ देंगे माता रानी के आगे दिया जला के, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसको हम लोग पूजा करके, नहा के पूजा करके, फिर इसको जो फल वगैरह होता है कटा हुआ फल वगैरह चढ़ा के, क्योंकि मुझे खुद नहीं काटना, वो भी मेरी बहू ही काट के देगी, तो इसीलिए, क्योंकि इस व्रत में कोई काटते नहीं हैं और किसी के पास नहीं है, तो पहले से काट के फल वगैरह रख सकते हैं उसको अच्छे से साफ जगह पे। और मुझे तो जब नहीं थे बच्चे, बड़े छोटे थे, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते थे इसमें, तो आप पानी भी नहीं मुँह में डाली हुई थी, तो कथा में भी बोलने में गला सूख रहा था, कथा भी लंबी है इसकी, तो लेकिन पढ़नी तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी। और मैं हमेशा कोई भी पूजा, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाती हूँ, पूजा पाठ लंबा मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरी है, लेकिन जब भी मैं करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पूरे विधि विधान जो भी उसका विधि है उस विधि को पूरा करूँ, और जिस तरह से कहा गया उस तरह से कर सकूँ, तो कम करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ तो पूरे तरीके से, और कोशिश करती हूँ कि पूरा उसको फॉलो करूँ, जैसा कि सबके लिए, जिस काम के लिए मैं पूजा की हूँ उसका पूरा हो सके। तो चलिए कथा का अब समापन होने वाला है, अब हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के बाद आपने भी देखा पूजा पाठ की, और आवाज़ देख रहे हैं ना, और कंघी वगैरह भी नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल, इस व्रत में ना कंघी वगैरह भी नहीं करते हैं, खाली बस ऐसा ना काट सकते हैं ना कुछ तोड़ सकते हैं, तो बहुत नियम निष्ठा वाला है। और अभी तो 7:30 ही बजा है, समय हुआ है, पूरी रात काटनी है, और कल 10:32 के बाद पूजा पाठ में नहाना धोना स्टार्ट करूँगी, वो करते करते 11:15 बजेगा, उसके बाद मुंह में पानी दूंगी। तो सबसे पहले ना दूध से पारण करते हैं, हम लोग दूध लेते हैं, गाय का दूध रहता है गांव में, तो शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो उससे पारण होता है, यहाँ कहाँ मिलेगा, वो तो थैली में ही काऊ मिल्क होता है, तो ऐसा ही जो बोलेंगे जो दूध मिलेगा वही लेके, तो सबसे पहले गर्म दूध लेके पारण करते हैं। उसका ये भी है कि थोड़ा गला ऐसे भी पक जाता है, तो गर्म दूध लेने से आसानी होती है। और उसके बाद फिर वो जो प्रसाद जो चढ़ाए रहते हैं वो दिखाऊंगी, और पूड़ी होता है उसको लेके मुंह में पहले पारण करते हैं, और फिर प्रसाद खाते हैं, फिर खाना वगैरह खा सकते हैं।
इस तरह का। और इसमें ये कॉटन की साड़ी ली हूँ मैं कि ये साड़ी आराम से पहनी जाती है, तो कैसी लगी बताइएगा जरूर। पिंक पिंक इस बार पिंक नहीं था, लेकिन मेरा देखिए आज ना, और मेरे बेटे अभी आया है बड़ा वाला, तो साड़ी लेके आया है वो भी पिंक कलर का ही साड़ी। और मेरी बहू कह रही थी कि आप खुद पसंद किया है, तो इन्होंने साड़ी और बिंदी चूड़ी ये देते हैं, तो मेरे लिए लेके आए ये देखिए, तो पसंद आया। कहती है मेरी बहू, कहती है कि बेटा ही पसंद किया है, तो पसंद तो बहुत पता है, मम्मी कैसा पहनती है कैसा ओढ़ती है तो उसको भी पता है ये बात का, और लेकिन लेके आया तो बहुत खुश हूँ। और चलिए बच्चों के लिए करते हैं, और बच्चे इस काबिल हो जाते हैं तो और इससे ज़्यादा और क्या खुशी होती है माँ को। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, अब मैं रात में ऐसी रात बिताऊँगी, कल फिर पूजा करूँगी, तो उसके बाद फिर आप लोग से मिलूँगी। तो चलिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी व्रतधारी हैं उन सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। सभी बच्चों को, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सबको भगवान दीर्घायु करे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इसी कामना के साथ मिलती हूँ फिर सुबह आप लोग से। तो ये मैं अभी किचन में ही आई हूँ, देखिए कि क्या खाना बना रही हैं। तो ये पनीर बन रहा है, कढ़ाई पनीर बना रही हैं, अब कढ़ाई है शाही है पता नहीं जो भी बन रहा है पनीर की, लेकिन बन रही है सब्जी। और यहाँ देखे तो बाकी बाप बेटे सब बात कर रहे हैं, और इधर टीवी चल रहा है, मुझे बोल दिया गया कि जाओ भाई आप आराम करो बैठो मत, तो थोड़ी देर बैठी थी, बच्चे जब आते हैं तो मन करता है साथ में बैठने का इस तरह से। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलती हूँ मैं आपसे, और देखते हैं कैसे रात बीतती है मेरी। तो आप लोग भी शामिल है इस व्रत में, और ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं पूजा करने आ गई हूँ मंदिर में, और नहा वहा के फिर से मैं साड़ी चेंज कर ली थी, जूठा नहीं किया था क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था, तो जूठा नहीं किया था। मैं ऐसे ही करती हूँ ये पूजा, मैं यही एक ही साड़ी पहन के मनाने के बाद पूजा करती हूँ, फिर चेंज कर लेती हूँ, फिर सुबह में नहा धो के फिर यही साड़ी पहन लेती हूँ। तो अब पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद ये जो टोकरी में जो बंधा हुआ है, जो इसको कहते हैं डाला बांधना, तो इसको बच्चे ही खोलते हैं, तो इसलिए बेटा बच्चे का रहना मैंने ज़रूरी होता है, नहीं ज़रूरी है तो फिर कोई भी मैं भी खोल लूँगी, लेकिन है तो दोनों मिलके खोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी वही बात होती है कि जब भी कुछ आप पूजा पाठ करो पूरा परिवार सम्मिलित रहता है, तो इसका सबको ऐसे भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन एक खुशी जो मिलती है ना, आप खुश रहते हो कि सारे जो भी बच्चे हैं परिवार हमारा शामिल है, यदि मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ परिवार के लिए और हैं वहाँ पे साथ में, तो उसकी बात ही अलग ही आनंद होता है। आप खुद ही सोचो ना, अकेले आप कुछ मान लो कभी किसी का जन्मदिन है या कुछ भी है, अकेले आप करते हो सो, और पूरी फैमिली इकट्ठी होती है सो, कितना उसका फ़र्क होता है। और जो चीज़ आप बच्चे के लिए ही करते हो और बच्चे ना रहें पास में, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, मन कहीं ना कहीं से उदास तो रहता है। तो माँ है, माँ तो कहीं भी रहेगी तो आशीर्वाद बच्चों को देगी ही देगी, लेकिन साथ में रहते हैं तो उस वक्त साथ में रहते हैं, तो हाथ के हाथ यदि पूजा किया और प्रसाद हो गया, जैसे ये गले में बांध रही हूँ ये सब, नहीं तो नहीं रहेंगे तो पड़ा रहेगा, जब आएंगे तब दूंगी, तो थोड़ा सा लगता है ना कि भाई कहते हैं कि जो समय पे हो वो ज़्यादा बढ़िया है, तो रखेंगे तो नहीं बहुत देर तक मुझे पता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि चलो पूजा की हूँ तो थोड़ी देर तो पहन लो। कह रहा था कब तक रखना, हम लोग जब तक तुम लोग की मर्जी हो तब तक रखना, पहन लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और ये यही है अंकुड़ी, सबसे पहले अंकुड़ी का प्रसाद देते हैं, ये बहुत मानता है हम लोग के यहाँ जो केराव कहते हैं, तो इसका प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। तो अब बाकी मेरा पूजा हो गया समाप्त, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगते डर लगते रहता है जब तक व्रत समाप्त ना हो, कैसे होगा कैसे होगा, अब तो मैं एक आधा घंटा भी रह लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है ना मेरा व्रत हो गया समाप्त, और अब सुबह उठी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि बस खाली लगता है कि पानी पी ले, थोड़ा सा पानी कब पीने को मिलेगा। हो गया पूजा पाठ, और ये देखिए हम लोग के यहाँ ये केराव का उकड़ी कहते हैं, दिख रहा होगा ये, तो ये इसको पहले सबसे पहले मुंह में डालूंगी, इससे व्रत खोलूंगी।
और ये दूध है गरम, ये पी के बैठ के पी लेती हूँ। तो अब इस तरह से व्रत खोलते हैं और मेरी बहू खाना बना रही है, सुबह से लगी हुई है, देखते हैं क्या सब बनाई हुई है। देखिए पीछे घड़ी में कितना टाइम हो गया, करीब मुझे लगता है 11:30 बजने वाला है, इतना टाइम हो गया। अब मुंह में डाली हूँ तो उसके बाद अब सबसे पहले तो ज्यादा प्यास लग रहा है, तो दूध से भी ज्यादा प्यास, लेकिन विधि होता है ना कि दूध पी के व्रत खोलना, तो यही खोल रही हूँ और फिर देखते हैं खाना सब क्या बनाई है, फिर वो दिखाती हूँ मैं आप लोग से। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाप रे इतना कुछ बना हुआ है, देखते हैं खाने के लिए। वाह ये देखिए ये है आज की थाली हमारी। तो कौन कौन खाने वाला है आइए मेरे साथ, आप लोग भी भोजन कीजिए और मैं बताती हूँ थोड़ा क्या क्या है। तो ये तो चावल, और ये बड़ी बनता है हम लोग के यहाँ बड़ी, और ये है दाल अरहर की दाल, और ये सीताफल की भुजिया, ये करेला की भुजिया, ये सेम की भुजिया, और ये आलू का पकौड़ा है, ये हम लोग का तिसौड़ी, तीसी होता है ना अलसी उसका तिसौड़ी, और ये है सीताफल का पकौड़ा, और ये है जो घिया होता है घिया का पकौड़ा, और बैंगन का पकौड़ा, ये गोभी का, गोभी का पकौड़ा, और बैंगन का भी है, बैगन का, ये बैगन गोभी और सीताफल, सीताफल, और ये हो गया पापड़, ये है आलू गोभी की सब्जी, और ये है दही, और ये है मीठे में लड्डू जो प्रसाद चढ़ाई थी। तो ये इतना सारा खाना है मेरा, देख लिया ना आप लोगों ने। देखते हैं खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आनंद आ गया। हो गया खालू में।